नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। नॉर्थ ईस्ट में आने वाले राज्य मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछले कई हफ्तों से पूरे राज्य में तनावपूर्ण माहौल है। हर दूसरे दिन मणिपुर में किसी न किसी तरह की हिंसा की घटना सामने आ रही है, जिसे देखते हुए अब इंटरनेट पर पाबंदी को आगे बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें, हालात को देखते हुए मणिपुर में शनिवार यानी कि 10 जून तक इंटरनेट पर बैन जारी रहेगा। मणिपुर सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। इससे पहले हिंसा फैलने के बाद 3 मई को सबसे पहले इंटरनेट पर बैन लगाया गया था, जिसे अब आगे बढ़ाया गया है। इंटरनेट पर पाबंदी को लेकर मणिपुर सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 10 जून शाम 3 बजे तक इंटरनेट पर पाबंदी जारी रहेगी। किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरे मणिपुर और खास तौर पर हिंसा प्रभावित इलाकों में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। मणिपुर पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी कई टुकड़ियां तैनात की गई हैं। साथ ही राज्य सरकार की तरफ से उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की छूट भी दी गई है। मणिपुर में शक्ति के बावजूद हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर के इंफाल पश्चिम जिले में सोमवार 5 जून की सुबह हथियारबंद लोगों के 2 गुटों के बीच हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग घायल हो गए हैं।